गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड में जो पेज नंबर है 141, वहाँ जो टॉपिक दिया है स्पोर्ट्स डे, वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट्स डे होता है, और स्पोर्ट्स डे में कुछ एक्टिविटी होती है, उन्हीं एक्टिविटी में से रिलेटेड कुछ जो मेजरमेंट होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या है। तो द स्कूल एट मालप्पापुरम हैज इट स्पोर्ट डे। तो मालप्पापुरम में एक स्पोर्ट डे हो रहा है वहाँ के स्कूल में। द फर्स्ट फाइव चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप, जो पांच बच्चे हैं फर्स्ट फाइव, ठीक है ना, जो लॉन्ग जंप किए हैं उनकी ये मेजरमेंट दी हुई है। टीना 3.50 मीटर, मीना 4.05 मीटर, रेहाना 4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर, अमीना 3.35 मीटर, ठीक है ना, इस तरीके दिए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, टीना जंप 3.5 मीटर, विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर के बारे में यहाँ बताया गया ये पॉइंट लगा के। इसी तरीके, बट हाउ फार डिड अनु जंप, अनु कितना जंप कर रही है, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग पूछा है। तो अनु कितना है, 3 मीटर एंड 05 है, तो 05 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर 50 होता तो पीछे 0 होता है, यहाँ आगे मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पूछा गया, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप, तो विनर कौन है जिसने सबसे ज्यादा जंप की है। तो यहाँ पे अगर आसानी से देखो तो रेहाना ने 4.50 मीटर की जंप की है, तो यहाँ पे लिख दोगे रेहाना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेहाना का नाम, इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी तरीके से यहाँ ये पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑन द स्टैंड। ये जो स्टैंड बना हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड का, इनके स्टैंड पे उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट आया था, जैसे फर्स्ट तो रियाना आई थी, उसका नाम लिखना है, फिर सेकेंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इनके नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन आया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फर्स्ट में रेहाना, फिर सेकेंड में मीना, और थर्ड में आई थी टीना, ठीक है ना। इस तरीके यहाँ पर इनका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पूछा कि डू यू रिमेम्बर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि आपको याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ लिख देना यस, ठीक है ना, हमें याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर, ठीक है ना। मीन्स 1 सेंटीमीटर, एक मीटर क्या होता है, 1/100 होता है। और वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज 0.01 मीटर, ठीक है ना, 0.01 मीटर, इस तरीके ले सकते हैं। अब यहाँ पूछ बोला गया, राइट इन मीटर्स 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, को मीटर लिखना है तो 3.45 कर दोगे, 3.45 मतलब 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ सिर्फ 99 सेंटीमीटर है, तो 0.99, ठीक है ना। फिर 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर, तो क्या कैसे लिखते हैं, 0.5, ठीक है ना, 1.05 मीटर, इस तरीके इनको लिखे हुए, ठीक है ना, इस तरीके आप लिख लेना है। तो अगला टॉपिक यहाँ पे, हाउ बिग कैन यू गेट, आप कितना बड़ा पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.5 मीटर, यहाँ पे जो चेस्ट की मेजरमेंट हो रही है, आफ्टर ब्रीथिंग आउट बाहर की तरफ ब्रीथ करते हुए की मेजरमेंट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। इसी तरीके ऑन टेकिंग डीप ब्रीथ, अंदर की तरफ जब ब्रीथ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 1.882 मतलब 1 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डिफरेंट इन साइज क्या हो जाता है, साइज में डिफरेंस, तो डिफरेंस करने के लिए क्या करोगे, 1.82 में 1.52 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 0.30 मतलब 30 सेंटीमीटर, या 0.30 मीटर लिखो, इसको मीटर में ले सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में लिखो तो 30 सेंटीमीटर से लिख दोगे, ठीक है ना।
या ऐसे भी ले सकते हैं आर 0.30 मीटर, एक में आप किसी में लिख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे फिर बोला गया डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। ये सब आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपना भी डिफरेंस वैसे पता कर सकते हैं। एक बार आफ्टर ब्रीथिंग आउट और ऑन टेकिंग डीप ब्रीथ, मतलब बाहर की तरफ ब्रीथ करते हुए और अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो बोला गया है यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर 45 सेंटीमीटर और ग्रो करोगे तब आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द दिनेश हाइट इन मीटर, तो दिनेश की हाइट मीटर में क्या है और मीटर सेंटीमीटर में क्या होगी, ठीक है ना। तो दोनों पूछा गया है, तो 2 मीटर देखिए इसको ऐसे फाइंड करेंगे, 2 मीटर मतलब इसको 2.00 कर लो, 2 मीटर एंड 0 सेंटीमीटर कर लिया, फिर 45 सेंटीमीटर और ग्रो करना है मतलब इतनी कम है तो इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगी 5, यहाँ 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 आ जाएगा, 9 में 4 गया तो 5, यहाँ एक कैरी हुआ होगा ठीक है ना, तो यहाँ 1 आएगा, तो 1.55 मीटर, ठीक है ना। तो ये कितना आया 1.55 मीटर, ये मीटर में आया लेकिन मीटर और सेंटीमीटर में अलग लिखना है, तो 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर, ठीक ना, इस तरीके इसको कंप्लीट करना है। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।